चलो ठीक है, अभी हम लोग आज करेंगे मैनेजरियल रेमुनरेशन अंडर कंपनी देख। तो सबसे पहले मेरे को अंडरस्टैंडिंग दे दो, नीचे लिखो अंडरस्टैंडिंग। अभी मैं एमडी, मैनेजर, होल टाइम डायरेक्टर, उनके बारे में आपको कुछ भी जो भी याद आता है ना वो बता दो मेरे को, क्या क्या याद आता है, फिर अपन उसको देखेंगे उससे ज्यादा क्या लिखा हुआ है। तो मैनेजिंग डायरेक्टर इज वन हु इज ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन मतलब अगर और क्रक्स ही में अगर हेड्स 4 वर्ड्स में बोलना एमडी कौन होता है, तो एक ही वर्ड है एमडी उसको डिफाइन इज करने के लिए हम लोगों ने बोला था, एमडी मींस समवन हैविंग सब्सटेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट। जनरली जब हम लोग डिफाइन करते हैं एमडी को, आर्टिकल वार्टिकल सब बराबर है, लेकिन हम ये कहते हैं क्या इस आदमी के पास सब्सटेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट है क्या, और अगर नहीं है तो वो क्या बनेगा, होल टाइम डायरेक्टर। तो फिर हेलो डब्ल्यूटीडी का मतलब क्या हो गया, जिसकी जिसके पास होल टाइम नहीं है, सब्सटेंशियल पावर नहीं है, डब्ल्यूटीडी होल टाइम डायरेक्टर। हाँ जी, होल टाइम डायरेक्टर इज मोस्टली ऑन द रोल्स ऑफ द कंपनी या नहीं? इन होल टाइम एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, अभी आएगा डेफिनेशन, इन होल टाइम एम्प्लॉयमेंट नॉट हैविंग सब्सटेंशियल पावर। तो फिर मैनेजर क्या हुआ, मतलब मैनेजर तो जनरली थोड़ी सी मतलब ही इज बिलो द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड द होल टाइम डायरेक्टर एक इन अ कंपनी में वे। एमडी और मैनेजर एक साथ नहीं हो सकते, तो बिलो का तो कंसेप्ट है ही नहीं। ओके, तो ठीक है, तो बेसिकली मैनेजर एक्ट्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एमडी और मैनेजर में सिर्फ इतना ही फर्क है, हाँ दोनों के पास सब्सटेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट है, लेकिन हाँ एमडी डायरेक्टर भी है बोर्ड पे और राइट, मैनेजर बोर्ड पे डायरेक्टर नहीं होता, लेकिन उसके पास भी सब्सटेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट रहती है, तो हमको डेजिग्नेट करना पड़ता है एमडी ना रख के कि ये पर्सन मैनेजर है। अभी कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में फैमिली वाले डायरेक्टर हैं और वो नहीं चाहते कि हम किसी भी आदमी को अपने बोर्ड में लें, लेकिन काम नहीं करना चाहते वो लोग, तो उनको आदमी तो नीचे अपॉइंट करना जो पूरे जिसको पावर दे कि भैया बिजनेस तुम ही चलाओ, तो वो लोग राइट मैनेजर सर, अपॉइंट कर देते हैं राइट डेजिग्नेट करके। ठीक है, अब हाँ इनके जी, बारे में आपको क्या रूल रेगुलेशन मालूम है रेमुनरेशन के बारे में इनके, मतलब रेम्यूनरेशन की 198 स्पेसिफाइज अ वे ऑन हाउ वी कैलकुलेट नेट प्रॉफिट्स एंड देयर नहीं इज नहीं एन अपर स्पेसिफिक कैप बोल ऑन रहा द हूँ, 11, स्पेसिफिक बोल रहा हूँ एमडी को कितना एक इलेवन रेमुनरेशन है। परसेंट का हाँ कैप बोलो होता है, बोलो ना क्या ओवरऑल क्या, इलेवन लिखो परसेंट अगली का कैप अंडरस्टैंडिंग होता लिखो, है। अभी अगली अंडरस्टैंडिंग लिखो रेमुनरेशन के लिए। अब मैं आपसे सिंपल पूछता हूँ, एमडी को कितना रेमुनरेशन दे सकता है अगर प्रॉफिट है, तो दोनों लिखो, ए लिखो प्रॉफिट, तभी मुझे समझ याद आएगा नहीं है ना। जी। हाँ तो कोई बात नहीं, नहीं याद है बोलो, नहीं पता है कौन वो कर रहा है, अभी नीचे पड़ेंगे ना हम लोग, अगर प्रॉफिट है और दूसरा नहीं है प्रॉफिट, लॉसेस लॉस या नो इनएडिक्वेट प्रॉफिट, ये सारी लॉसेस कहानी ना या इसी क्रक्स समझा दूंगा ना, तो जब हम पढ़ेंगे तो इसी कंटेक्स में घूमेंगे हम लोग। लॉसेस अगर और हाँ नो प्रॉफिट ना, नो प्रॉफिट और इनएडिक्वेट प्रॉफिट, इनएडिक्वेट बोलो इनएडिक्वेट अगर प्रॉफिट क्या होता है सर? मतलब वो आपने मतलब किसी अगर की 10 रुपए सैलरी, देने हैं तो 5 रुपए हाँ है। 5 का ही प्रॉफिट है, ठीक है, अब अगर कंपनी में प्रॉफिट है तो एक कंपनी दो लिमिट्स आती है, टोटल डायरेक्टर को कितना दे सकती है, अब प्रॉफिट के आगे लिखो टोटल हाँ डायरेक्टर्स, ठीक है, उसके बाद कोमा डाल के लिखो इंडिविजुअल डायरेक्टर, और फिर लिखो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर।
ठीक है, अब बताओ अगर कंपनी में जितने भी डायरेक्टर्स हैं सबको मिला के अगर कंपनी में प्रॉफिट है तो मैक्सिमम कितना अपना वो दे सकती है? ठीक 11% ऑफ मैनेज 11% ऑफ टोटल नेट प्रॉफिट ऐसा कुछ है, रहता है मिला ठीक है, तो टोटल डायरेक्टर के आगे लिखो 11%। ठीक है, इंडिविजुअल डायरेक्टर को, इंडिविजुअल होल्ड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, वो एमडी हो या WTD हो, कोई भी हो। कुछ 5% का फंडा रहता है आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली ठीक है, 5% लिखो इंडिविजुअल को, और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव को कहाँ कुछ दिया जाता है सिटिंग फीस और कमीशन वगैरह रहता हो कितना कमीशन मैक्सिमम? याद नहीं सर 1%। फिर ये हम चेक करेंगे कंपनी दैट 56 में था कि अगर कंपनी में कोई भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ना हो तो उस टाइम पे 3% की लिमिट होती थी कंपनी दैट 56 में, तो अभी है कि नहीं? ठीक अच्छा है, तो ऑब्लिक थ्री ठीक है सर परसेंट लिख दे। अभी कंपनी में लॉसेस हो गए या प्रॉफिट नहीं है सैलरी देने के लिए, क्योंकि एमडी एमडी को तो मंथली सैलरी जाती है 1 करोड़ रुपए मंथली, साल का 12 करोड़। फिर ये चेक किया जाता है आखिरी टाइम में कि प्रॉफिट से कम है कि ज्यादा है, राइट? क्योंकि अपॉइंटमेंट तो अभी करते हो 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, रेमुनरेशन अभी फिक्स करते हो अपॉइंटमेंट के टाइम पे, हर महीने आपको 1 करोड़ रुपए देंगे सब्जेक्ट टू प्रॉफिट का 10% 5%। अब अगर 1 साल में 5% से कम हो गया, लॉसेज हो गए, तब उसको रेमुनरेशन कैसे देना? अभी आप कंपनी की एमडी हो, ठीक है, आपको 1 करोड़ रुपए महीने पे मैंने रख दिया, तो साल का हो गया 12 करोड़ रुपए, कंपनी में प्रॉफिट था 60 करोड़ रुपए, तो 60 करोड़ का 5% होता है 12, तो आपका सैलरी विद इन द प्रॉफिट थी। अब 1 साल लॉस हो गया, आवाज आ रही है? हाँ, हाँ सर आ रही है आवाज में सुन रही हूँ आपको तो 1 साल एक लॉस हो साल गया, लॉस तो हो गया अब उस हाँ साल में, अब आपकी सैलरी तो हर महीने जा ही रही थी, लॉस तो साल के एंड में मालूम पड़ेगा, तो राइट अब क्या करेंगे? तो लॉस के केस में क्या होगा फिर? ये क्लाइंट आएंगे ऐसे पूछने के नहीं लिए आपसे? ठीक था इसमें प्रोविजन बट मुझे याद नहीं आ रहा अभी बिल्कुल है, तो इसमें क्या होगा, आप शेड्यूल 5 फॉलो करेंगे, लॉस और नो प्रॉफिट और इनएडिक्वेट के केस में, तीनों के केस में नहीं ये शेड्यूल। मेरी लास्ट जॉब में बहुत आते थे ऐसे क्वेश्चन बट अब उसको भी 5 साल हो गए तो मुझे याद नहीं आ रहा हाँ, तो कुछ इसलिए अपन कर रहे हैं, आखिर में तो अभी हमारे पास हर क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए ना पढ़ने के बाद। शेड्यूल 5 ऑफ कंपनीज एक्ट, पहले ये शेड्यूल 13 होती थी। ओके, सभी हमारी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो इतनी है कि एमडी है जिसके पास सब्सटेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट है, होल टाइम डायरेक्टर है जो होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है पर सब्सटेंशियल पावर नहीं है, मैनेजर डायरेक्टर नहीं है लेकिन सब्सटेंशियल पावर है, उसके आगे लिख दो सब्सटेंशियल पावर, एमडी के आगे मैनेजर के आगे, मैनेजर बोर्ड पे नहीं है लेकिन पावर्स उसको अच्छा सब्सटेंशियल है मैनेजमेंट की। ठीक है, अब 5th पॉइंट में बोलो इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, 5वें में लिखो एमडी या WTD का अपॉइंटमेंट कैसे होता है। अपॉइंटमेंट एक इनका पर तो टेन्योर एमडी का तो एक अग्रीमेंट से होता है जिसमें टेन्योर भी लिखा होता है और कुछ उसमें टेन्योर भी अगर मेंशन है समझो, कितने मैं टाइम आपको के एक लिए छोटी सी असाइनमेंट देता हूँ, आप एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो और आपको एक एमडी अपॉइंट करने का सिर्फ एक मैसेज आया, अब आप क्या करोगे? मैं सबसे पहले बता करूंगी मैं कितने टाइम के लिए करना है इससे रिलेटेड कुछ प्रोविजंस भी हैं इसमें तो समझो ना, कितने टाइम बुला के लिए लिया अभी करना है आपको, कैसे अभी बुला लिया आपको, क्लाइंट के सामने मीटिंग में रख दिया, बोले हमारी कंपनी ला कंसल्टेंट है, अभी हमें बताएंगे। तो अपॉइंटमेंट करने के लिए, किसी भी आदमी के अपॉइंटमेंट करने के लिए क्या प्रोविजंस है वो अपने को इस सेक्शन से मालूम पड़ने चाहिए, राइट सर तो 5वें में लिखो अपॉइंटमेंट ऑफ
मैनेजरियल पर्सन, ठीक है, डायरेक्टर्स की बात नहीं कर रहे, मैनेजरियल मतलब ये लोग मैनेज करते हैं बिजनेस को, इसलिए इनका नाम है मैनेजरियल पर्सन और इनका रेमुनरेशन है मैनेजरियल रेमुनरेशन। ओके, तो ये अंडरस्टैंडिंग को अब हम लोग पढ़ने के बाद रिफाइन करेंगे, ठीक है। तो शुरू कर दो, डायरेक्टर का मतलब क्या है? डायरेक्टर मीन्स अ डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ अ कंपनी। ऐसा डेफिनेशन क्यों दी इन्होंने? मतलब डायरेक्टर वही है जो जिसको बोर्ड पे अपॉइंट करा जाता है। वही वैसा क्या नया लिखा हुआ, क्यों ऐसा लिख दिया इन्होंने, थोड़ा सोचो। ये डेफिनेशन देने की जरूरत ही क्या थी? डायरेक्टर मीन डायरेक्टर होता है, अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ अ कंपनी ना, मतलब बोर्ड, मतलब बोर्ड पे अपॉइंट होना चाहिए। नहीं, अभी क्या हो रहा था, कंपनियां किसी को फाइनेंस डायरेक्टर, किसी को डायरेक्टर सेक्रेटरी बना रही थी, लेकिन ये लोग बोर्ड पे नहीं थे। तो जहां कहीं पे भी कंपनी एक्ट में डायरेक्टर वर्ड यूज होगा, क्या उसके ऊपर वो प्रोविजन लगेगा क्या? नहीं, बिना, नहीं, ऐसे अगर नहीं। आपको मैंने अपॉइंट किया, अब किसी जगह जा रही हो, आपको डायरेक्टर सेक्रेटरी करके अपॉइंट कर दिया, लेकिन आपको बोर्ड पे अपॉइंट नहीं किया, तो कंपनी एक्ट में जहां पे नहीं, भी ऐसे नहीं डायरेक्टर लगेगा के ऊपर, अपॉइंट, वही लगेगा जहां पे अपॉइंटेड टू द बोर्ड रहे। हाँ, तो इसका पर्पज क्या है, आप कोई भी डेजिग्नेशन दे दो, लेकिन कंपनी एक्ट में डायरेक्टर के प्रोविजन तभी लगेंगे जब वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ऊपर होगा। क्लियर है? मैनेजर मींस एन इंडिविजुअल हु सब्जेक्ट टू द सुपरिटेंडेंस कंट्रोल एंड डायरेक्शन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज द, सर ये डब्बा बनाऊं क्या? अभी नीचे बनाओ, तीनों के नीचे एक साथ बनाएंगे, डायरेक्टर, एमडी और मैनेजर के नीचे। मींस एन इंडिविजुअल हु सब्जेक्ट टू द सुपरिटेंडेंस कंट्रोल एंड डायरेक्शन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज द मैनेजमेंट ऑफ द होल और सब्सटेंशियली द होल ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी एंड इंक्लूड्स अ डायरेक्टर और एनी अदर पर्सन ऑक्यूपाइंग the position of a manager by whatever name called whether under a contract of service or not। ठीक है, मतलब board of directors के superintendent control में होना चाहिए and but he has substantial powers of management। तो पहले क्या है, सबसे पहले इंडिविजुअल होना चाहिए। तो क्या कोई कंपनी, क्या कोई फर्म या कोई पार्टनरशिप को मैनेजर बना सकते हैं कंपनी की? नहीं। हेलो, हाँ, नहीं बना सकते, नहीं बना सकते सर। ठीक है, फिर ये जो आदमी काम किसके अंदर करेगा? ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर करेगा, सुपरिटेंडेंस कंट्रोल एंड डायरेक्शन ऑफ द बोर्ड वो फॉलो करेगा। फिर इसका मैनेजमेंट किसकी है? होल या सब्सटेंशियली द होल ऑफ द अफेयर ऑफ द कंपनी। सो यही टॉप पर्सन है जो सारा बिजनेस मैनेज तो कर रहा है। हाँ, इसी के पास सब्सटेंशियल पार्ट्स ऑफ मैनेजमेंट है, उसके पास पूरा कंट्रोल है। अब उसको मतलब इन्होंने कंट्रोल एक इन चीज, द एक चीज एक्स्ट्रा डाल दी, इंक्लूड्स अ डायरेक्टर और एनी अदर पर्सन ऑक्यूपाइंग द पोजीशन ऑफ मैनेजर बाय व्हाट एवर ने कहा, वेदर अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट और सर्विस और नॉट। ये जो डेफिनेशन उसने जनरल दी, उसके अलावा किसी भी आदमी को ये सब पावर दे के रखी हुई है, डायरेक्टर या किसी और पर्सन को। मान लो कैजुअल वैकेंसी हो जाए, मैनेजर चला जाए या कुछ हो जाए और उसकी वो जगह फिर, जो भी होगा मतलब कोई और वो आदमी है मैनेजर जिसको की जगह। मैनेजर नहीं बोला, लेकिन वही सारी पावर्स एक्सरसाइज कर रहा है, उसका नाम हमने मैनेजर करके डेजिग्नेट नहीं किया हुआ है, तो ये डीमिंग प्रोविजन है, ये इंक्वायरी पे आएगा। या ऑफिसर इन डिफॉल्ट को डिफाइन करने के लिए भी हो गया ना एक नहीं तरीके नहीं मैनेजर को जब फाइंड आउट करना पड़ेगा, अब ये कैसे मालूम पड़ेगा? कोई कंपनी जो है मैनेजर अपॉइंट करती है और आरओसी में फॉर्म फाइल करती है, राइट? तो ये जो सेकंड पॉइंट है, ये कब पिक्चर में आएगा? वही मैं बता रही हूँ। ये तो मोस्टली तभी पिक्चर में आएगा कि मान लो मैनेजर नहीं है किसी कम, मान लो मैनेजर छोड़ के चला गया, अब हम दूसरा एकदम से अपॉइंट नहीं कर पाए और हाँ। कोई कोई किसी और को कर दिया और उस टाइम में फ्रॉड हो गया कोई, तो अब फाइंड आउट करना है कि कौन है ऑफिसर इन डिफॉल्ट। हाँ, तो इसी यहाँ तो पे मैं यही अब बोलना ये चाह रहा हूँ कि फाइंड आउट होएगा, ये जो पॉइंट है ये फाइंड आउट के लिए, इन्वेस्टिगेशन के टाइम हाँ, पे ये कहीं निकाला अगर जाएगा पब्लिक हाँ, डोमेन कि में ये फाइल आदमी भी नहीं है मैनेजर था, किसी। इवन तो क्या हुआ, ड्राइवर को आपने बना रखा था, किसी को बना रखा था, लेकिन बिजनेस ये आदमी चला रहा था, तो ही शुड बी ट्रीटेड एज मैनेजर एंड शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट ऑफ द कंपनी, राइट? तो बना दिया मैनेजर के नीचे डब्बा,
डब्बे में ये नहीं बनाना है, वो नहीं लिखना, सिंपल एक राइट मूव लिमिटेड कंपनी है एग्जाम्पल के साथ ही करो, सेक्शन वापस रिपीट नहीं करना, ठीक है। उसका एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है जिसमें एक्स और वाई है, राम और श्याम है, कोई भी लिख दे। ठीक है, अब उन्होंने जेड को नीचे अपॉइंट किया एज ए मैनेजर, मैनेजर एज ए मैनेजर उसको रोल दिया टू रन द बिजनेस। कैसे? एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द, एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ द बोर्ड। फिर इसका सुपरविजन कैसे करेंगे? ही इज रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग टू द बोर्ड, तो इसकी रिपोर्टिंग किसको है? बोर्ड को। ठीक है, तो यहाँ पे जो पॉइंट था, तो ये जो जेड है वो मैनेजर ट्रीट किया जाएगा, जहाँ पे भी वर्ड मैनेजर यूज हो रहा है। केएमपी की डेफिनेशन में कंपनी शुड हैव आइदर एमडी, मैनेजर, सीईओ, तो वो एक पर्सन होना चाहिए, तो ही विल बी ट्रीटेड एज केएमपी ऑफ द कंपनी। यस सर, 203 में जहाँ पे एप्लीकेबल है। और रिक्वायरमेंट क्या है? खाली एक सेक्शन नहीं, पूरा बिजनेस ऑलमोस्ट उसको चलाने को दिया होना चाहिए, राइट अब यस क्या हुआ, सर। इन्होंने किसी को अपॉइंट नहीं किया हुआ, ये तो रेजोल्यूशन से अपॉइंट हुआ था, इसको अपॉइंट किया, प्रॉपर रेजोल्यूशन पास किया ना? अब खाली बोर्ड था और एक और पर्सन था ए करके, जो सारा बिजनेस वही चलाता था, तो बोर्ड जो भी रिपोर्ट मांगता था वो ए से मांगता था कि तुम्हारा बिजनेस क्या है, सीईओ कह दिया, जनरल मैनेजर फाइनेंस बोल दिया, कुछ भी बोल दिया, लेकिन सारा बिजनेस वही चला रहा था, तो वो भी क्या ट्रीट किया जाएगा? मैनेजर। मतलब आप ये कह रहे हो कि ए मैनेजर नहीं था, बट क्योंकि बोर्ड उससे सब कुछ मांगता था इसलिए उसे भी मैनेजर। हाँ, छोटी कंपनी है, समझो एक छोटी कंपनी है, वहां पे उन्होंने कोई रेजोल्यूशन पास नहीं किया मैनेजर अपॉइंट करने का, राइट या लिमिट भी थी पर उसने फिर भी मैनेजर अपॉइंट नहीं किया, लेकिन बिजनेस कोई तो चला रहा होगा, तो वो जो पर्सन जो बिजनेस चला रहा है उसको मैनेजर ट्रीट किया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ कंपनी एक्ट, तो डीम्ड मैनेजर हो गया ना, इसका वर्ड यूज करो, डीम्ड मैनेजर। एक हो गया मैनेजर, एक हो गया डीम्ड, ही शैल बी डीम्ड एज मैनेजर, कौन? पर्सन ऑक्यूपाइंग पोजिशन ऑफ मैनेजर। और नॉट एम्प्लॉय, सपोज कंसल्टेंट करके उसको रख दिया और वही बिजनेस चला रहा है, इसलिए आ गया अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस और नॉट, मे बी और मे नॉट बी एम्प्लॉय। राइट, अभी इस एग्जांपल में वो 53 को दोबारा पढ़ ले, मैनेजर मींस क्या? मैनेजर मींस एन इंडिविजुअल हु सब्जेक्ट टू द सुपरिंटेंडेंस कंट्रोल एंड डायरेक्शन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज द मैनेजमेंट ऑफ द होल और सब्सटेंशियली द होल ऑफ द अफेयर्स ऑफ अ कंपनी एंड इंक्लूड्स अ डायरेक्टर और एनी अदर पर्सन ऑक्यूपाइंग द पोजीशन ऑफ अ मैनेजर बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड विद अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस और नॉट। ठीक है, दो पोर्शन हो गए, एक तो ये आदमी जिसको अपॉइंट किया जो काम कर रहा है वो तो मैनेजर कहलाएगा ही कहलाएगा, लेकिन डीम्ड मैनेजर कौन हो गया? जो पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहा है मैनेजर की, इवन दो शायद वो कंपनी की एम्प्लॉयमेंट पे है या नहीं, उसको ऐसे डेजिग्नेट किया हुआ है या नहीं किया हुआ है, क्लियर? राइट सर, कोई डाउट है? नहीं नहीं कोई डाउट नहीं। नहीं नहीं कोई डाउट नहीं। आवाज गई? हेलो हेलो, हाँ बोलो। हाँ सर, कोई डाउट नहीं, बिल्कुल क्लियर है। अब एमडी की बात करो, मैनेजिंग डायरेक्टर मींस अ डायरेक्टर हु बाय वर्चू ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ अ कंपनी और एन एग्रीमेंट विद द कंपनी
or a resolution passed in its general meeting or by its board of directors is entrusted with substantial powers of management of the affairs of the company and includes a director occupying the position of managing director by whatever name called. Hmm. So I did explanation. My explanation. For the purpose of this clause, the power to do administrative acts of a routine nature, when so authorized by the board, such as the power to affix the common seal of the company to any document or to draw and endorse any check on the account of the company in any bank or to draw and endorse any negotiable instrument or to sign any certificate of share or to direct registration of transfer of any share shall not be deemed to be included within the substantial powers of management. ठीक है, अब इसके नीचे डब्बा बनाओ, इसमें बनाओ या ऊपर मैनेजर वाले के नीचे बनाओ, वहाँ से नहीं नहीं अलग अलग ही बनाती हूँ सर, बहुत अच्छी क्लैरिटी. पहली दो लाइनें ऊपर से कॉपी करना, राइट मूव और बोर्ड वाली लाइन, इसकी नहीं, वो डब्बे ऊपर के डब्बे. तो यहां तक सब सेम चल रहा है, ठीक है, बोल्ड कर दो इसको, हर जगह यूज हो. अब चार लोगों का बोर्ड है, अब इन्होंने क्या किया, राम को एमडी बना दिया. कैसे बना दिया, नीचे नेक्स्ट ले लो, अपॉइंटेड मिस्टर राम. क्यों राम लिया, क्योंकि मस्ट बी ए डायरेक्टर ऑफ द कंपनी टू बिकम एमडी, ही शुड बी वन ऑफ दीज फोर पीपल, राइट. ठीक है, कैसे अपॉइंट किया, बाय, अब नीचे 1, 2, 3, 4 ले लो इसके. फर्स्ट में लो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, क्या आर्टिकल एसोसिएशन में उसमें लिखा हुआ है कि मिस्टर सो एंड सो विल एक्ट एज एमडी ऑफ द कंपनी. उसमें तो अगर हम लिखेंगे तो एवरी टाइम हमारा एमडी चेंज होगा, हमें आर्टिकल करना पड़ेगा. तो जिस कंपनी में जो परमानेंट एमडी बनना चाहते हैं वो आर्टिकल में लिख लेते हैं, मतलब वो तो फिर फैमिली बिजनेस जैसा हो जाता है. ठीक है, पहला कैसे हो सकता है पॉइंट, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, दूसरा एग्रीमेंट से, एमडी का अपॉइंटमेंट एग्रीमेंट बना के, तीसरा बोर्ड रेजोल्यूशन प्राइवेट कंपनियों में, चौथा शेयर होल्डर रेजोल्यूशन पब्लिक लिस्टेड. सो राम को चार तरीके से एमडी बनाया जा सकता है, आर्टिकल में लिख के, एग्रीमेंट करके, बोर्ड रेजोल्यूशन के थ्रू, शेयर होल्डर रेजोल्यूशन के थ्रू, सब्जेक्ट टू कंप्लायंस ऑफ लॉ. उसके बाद इसको दिया क्या गया, सब्सटेंशियल पावर्स ऑफ मैनेजमेंट. ये क्रक्स है, अगर सब्सटेंशियल पावर नहीं है तो पर्सन एमडी नहीं है. तो अपॉइंट बाय, उसके आगे लिख दिया अपॉइंटेड बाय एमडी बाय सो एंड सो, नेक्स्ट एंटर मार, इंटरेस्टेड विद सब्सटेंशियल पावर्स ऑफ मैनेजमेंट. और डीम्ड एमडी कौन होगा, जो इनमें से किसी भी तरीके से नहीं अपॉइंट किया लेकिन सारा बिजनेस वही मैनेज कर रहा है, सारे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है लेकिन सारे बिजनेस, सारे डिसीजन एक ही पर्सन के थ्रू हो रहे हैं, तो वो पर्सन कौन बनेगा, डीम्ड एमडी. क्यों, जहां पे एमडी को रिस्पॉन्सिबल करना है और एमडी कोई दिखा नहीं, इन्वेस्टिगेशन हुई तो ढूंढेंगे कौन है डीम्ड एमडी. Not appointed as above, but is responsible for all the affairs and but is entrusted with substantial powers of management. ऐसे लिख दो. But discharging same duties ना? Discharging duty as of MD. That means substantial powers of management exercise कर रहा था. अभी समझो एक छोटी कंपनी है, दो ही लोग हैं, दो भाई हैं. अब उनमें से किसको MD मानोगे? कोई स्टाफ नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सारा बिजनेस यही दो भाई चलाते हैं, ऑर्डर लेना, ये तो दोनों में से जब ये निकाला जाएगा तो टेस्ट किया जाएगा कि दोनों में से किसके पास सब्सटेंशियल पावर है, ज्यादा पावर किसके पास है, और उसको पर्पस ऑफ एक्ट एमडी ट्रीट करेंगे. ठीक है, राइट सर. फुल टाइम डायरेक्टर क्या हो गया, फुल टाइम डायरेक्टर इंक्लूड्स अ डायरेक्टर इन द होल टाइम एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी. ठीक है, नीचे इसका भी डब्बा बना दो, क्योंकि जैसे जैसे आ रहा है वैसे वैसे हम उसके नीचे रूल प्रोविजन लिखेंगे कि किसको क्या एप्लीकेबल है.
ठीक है, वोल्टम रेक्टम मीन्स क्या हो गया, लाइक सेम राइट मूव लिमिटेड में, कॉपी करो पहले दो एग्जांपल, कॉपी कर लो टाइप करो। इन्हीं में से कोई भी हो सकता है, एक्स एंड वाई राम वाले में एमडी से। बना दिया आपने, शाम को आपने WTD बना दिया, और इसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी आपने कि आप पूरा फाइनेंस फंक्शन संभालोगे, फाइनेंस के हेड हो आप, CFO आपको रिपोर्ट करेगा, या आप मार्केटिंग के हेड हो, या आप सेक्रेटरियल के हेड हो, एनी स्पेसिफिक फंक्शंस, ठीक है। अब जनरली बोले फाइनेंस स्पेसिफिक फंक्शन, कोई भी एक फंक्शन वो हैंडल कर रहा है, तो ये क्या बनेगा, और इसके लिए क्या है, एम्प्लॉयमेंट में है तो इसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी रहेगा, तो यस सर, होल टर्म एम्प्लॉयमेंट में कब होगा कोई आदमी, जब पूरा टाइम कंपनी की नौकरी कर रहा है, तो इसका कैसे टेस्ट करते हैं कि इसको फॉर्म 16 मिल रहा है कि नहीं, फॉर्म 16 एम्प्लॉयज को मिलता ना, तो फॉर्म 16 से चेक इनकम हो जाता टैक्स है, एक्ट में, हाँ, जिससे हम लोग अपना रिटर्न फाइल करते हैं। हाँ, कि एज ए एम्प्लॉई दिखा के इसको भी फॉर्म 16 देते हैं, अगर बिजनेस प्रोफेशनल होगा तो दूसरा फॉर्म है, ठीक है। और इसके साथ क्या रिक्वायरमेंट थी, ही इज इन होल टाइम एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, राइट। ये तो सिर्फ बेसिक कंसेप्ट थे कि डायरेक्टर कौन है जो बोर्ड पे हो, होल टाइम डायरेक्टर कौन है जिसको एक पर्टिकुलर फंक्शन दिया हुआ है पर सब्सटेंशियल पावर नहीं है, 40% पावर है, 50% है, 60% नहीं है, लेकिन सब नहीं है, एमडी से कम पावर है उसको, तो ही विल रिपोर्ट टू एमडी, क्योंकि एमडी के पास सब पावर्स हैं, तो हम WTD जनरली किसको रिपोर्ट करेगा, एमडी को, मैनेजर किसको रिपोर्ट करेगा, बोर्ड को, क्लियर। यस सर, हेलो, हाँ सर, हाँ सर, सो जाती है कि बीच में, हाँ हेलो, नहीं, मैं पता नहीं वापस चलता करने हो, लग जाती हूँ सर, हाँ जॉब कर हाँ तो नहीं वो वो ऐसे जब सिग्नल फेस टू गया कि फेस नहीं नहीं गया होता वो तो पता नहीं चलता, हाँ। एक्चुअली वीडियो कॉल, अगर हम वीडियो पे होते हैं ना, बस यही थोड़ा सा फायदा होता है कि आपको दूसरे की हाँ शक्ल दिख रही होती है तो आपको कॉन्फिडेंस होता है, हाँ होता है। हाँ पर हमें वो कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए, हमें शक्लें नहीं देखनी, हमें ठीक सेक्शन देखने का, सेक्शन क्या कहता है, ठीक है। अभी हमने सिर्फ चार ही चीज़ें पढ़ी, अब मेरे को बंद करके एक झटके में चारों चीज़ें समझा दो कि क्या है चारों, डायरेक्टर कौन, एमडी कौन, मैनेजर कौन, और ये कौन, करेक्टर, तो एनी वन हु इज अपॉइंटेड ऑन द बोर्ड ऑफ द कंपनी, हाँ है ना? और तो अगर ऐसे ही कहीं मेंशन होगा कंपनीज एक्ट में तो वो नहीं होगा, उसे बोर्ड पे अपॉइंटेड होना चाहिए, उसकी फाइलिंग होनी चाहिए, हाँ सब कुछ होना चाहिए। फिर मैनेजर इज एनी वन हु इज इंटरेस्टेड विद सब्सटेंशियल पावर्स ऑफ मैनेजमेंट, बट ही वर्क्स अंडर द सुपरिंटेंडेंट ऑफ द बोर्ड, मतलब एज पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द बोर्ड, रिपोर्टिंग भी उसकी बोर्ड को रहती है, बट ही विल बी ट्रीटेड एज की मैनेजर पर्सन ऑफ द कंपनी। और कोई भी पर्सन जो मैनेजर की पोजिशन ऑक्यूपाई करता है, भले ही उसे उसका फॉर्म में नहीं फाइल करा, रेजोल्यूशन पास ना करा हो एज ए मैनेजर, ही विल बी डीम्ड मैनेजर, विच विल कम इन टू प्ले ओनली इन केसेस जहाँ पे इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन होती है, कोई फ्रॉड का केस है कुछ है, तभी। फिर मैनेजिंग डायरेक्टर इज सम ही शुड बी अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, ही कैन बी अपॉइंटेड बाय वे ऑफ फोर थिंग्स, वन इज रेजोल्यूशन, अग्रीमेंट, रेजोल्यूशन हो सकता है या तो अग्रीमेंट हो सकता है, देन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन या शेयर होल्डर्स रेजोल्यूशन। जी, शेयर शेयर होल्डर्स रेजोल्यूशन के केस में कब अपॉइंट करते हैं, कोई वो होल्डर अपॉइंट रहता है करते ना, हैं ना उसको, मिस्टर सो एंड सो बी अपॉइंटेड एज, तो बोर्ड रेजोल्यूशन और शेयर होल्डर्स रेजोल्यूशन अगर दोनों प्राइवेट कैसे आ लिमिटेड सकते कंपनी हैं है तो फिर? शेयर होल्डर रेजोल्यूशन की जरूरत नहीं है, ठीक है, एंड एमडी हैज सब्सटेंशियल पावर्स ऑफ मैनेजिंग मैनेजमेंट, और डीम्ड एमडी इज हु इज नॉट अपॉइंटेड एज, मतलब वही है मैनेजर वाला ही फंडा कि कुछ करा नहीं, ऐसे अपॉइंट नहीं करा गया, बट वो सब कुछ वही कर ड्यूटीज रहा है डिस्चार्ज कर रहा है, वो, कई जगह बहुत डीम्ड जगह एमडी। आपको ये प्रोविजन दिखते हैं लॉ में,
और एनी अदर पर्सन इन हुज इंस्ट्रक्शन बॉडी इज अकस्टम टू एक्ट, ये सब उस टाइम काम आते हैं जब इंक्वायरी या कुछ चालू। एक्चुअली अगर हमने सब कुछ एक बार पढ़ा हुआ हो तो हमें ऐसा स्ट्राइक हो जाता है कि ये यहाँ पे मिल जाएगा वहां पे मिल जाएगा। हाँ ठीक है, मैंने पढ़ा हुआ है मेन एडवांटेज, तो मुझे स्ट्राइक हो जाता है। हाँ तो मेन एडवांटेज ऑफ रीडिंग इज दिस। हाँ ठीक है चलो, अब ये बेसिक हाँ जी डेफिनेशन थी, जहां पे भी ये वर्ड आ रहा है लाइक 196 के हेडिंग में ये वर्ड आ रहा है अपॉइंटमेंट ऑफ, अपॉइंटमेंट ऑफ पढ़ मैनेजिंग हाँ डायरेक्टर, पढ़ नो दो अभी कंपनी शैल फटाफट से। अपॉइंट, हाँ नो कंपनी शैल अपॉइंट अ एम्प्लॉय एट द सेम टाइम अ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड अ मैनेजर, तो मतलब सब मैनेजिंग डायरेक्टर मैनेजर दोनों नहीं हो सकते किसी भी कंपनी में। हाँ, अब इसको कैसे लो, अब इसको ना इसको करो रूल और रेगुलेशन करके डब्बा डालो कि क्या रूल्स एप्लीकेबल है, 1 2 3 4 करके सारे रूल लिखते हैं इसके नीचे, एक के नीचे लिख दो, बिफोर अपन बिलो उसी दिस को ना, बढ़ाते जाएंगे। नहीं, बार बार ऊपर नीचे जाना पड़ेगा, वही एक के नीचे लिख दो, उसी में सब डालते जाएंगे, बाद में सेक्शन ऊपर पेस्ट कर देंगे। अब आपको अपॉइंटमेंट के रूल्स मिल रहे हैं, आपको एक रूल बुक पता चल रही है क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। तो पहला रूल क्या है, कंपनी के हैं मैनेजिंग डायरेक्टर मैनेजर, फर्स्ट रूल, हाँ जी सर, हेलो, हाँ गायब हो रही हाँ लिख थी, दूँ ना सर, हाँ लिख ना। नहीं आज मैंने ईयरफोन्स नहीं लगाए इसलिए मुझे बार बार डाउट हो जाता हाँ ये सब कुछ पूरा टाइम नहीं सर करना, भगवान। सुन ना, पूरा टाइम नहीं करना, केवल काम की चीज लिख, हटा इसको, क्या लिखा, एमडी कांट एंड हैव मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर, एमडी एंड मैनेजर नोट एट द सेम टाइम, पूरा लिख दिया तो फिर सेक्शन ही पढ़ना हो गया ना, सेम टाइम। पहला रूल यही हो गया कि किसी भी कंपनी में एमडी और मैनेजर एक टाइम पे दोनों पोस्ट नहीं हो सकती। राइट सर, सेकंड, दूसरा है नो कंपनी शैल अपॉइंट और रीअपॉइंट एनी पर्सन एज सच मैनेजिंग डायरेक्टर होल टाइम डायरेक्टर मैनेजर फॉर अ टर्म हाँ एक्सीडिंग 5 years एट अ टाइम हाँ provided that no reappointment shall be made earlier than 1 year before the expiry of its term. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, सेकंड में लिखो एमडी ओब्लिक एमजीआर ओब्लिक डब्ल्यूटीडी ओब्लिक डब्ल्यूटीडी मैक्सिमम फॉर अपॉइंटमेंट, मैक्सिमम फॉर 5 इयर्स। सो आज अगर आपने किसी को अपॉइंट किया 1 जनवरी 2022 को, तो उसकी टर्म कब खत्म होगी मैक्सिमम, लिखो तो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट 1 जनवरी 2022। 5 साल तक ही कर सकते हैं ना मैक्सिमम, तो आप उसी मैक्सिमम टर्म पूछ रहे हो, उसी में लिखो ना, उसके आगे लिखो ना, दो में। 1 जनवरी 2022 तो मैक्सिमम 27, 31 दिसंबर 27 एक मैक्सिमम, जनवरी 22 से 31 दिसंबर 22 होगा ना, तो 23 24 25 26 होगा ना, कितना होगा, अब दो जन हाँ तो नो पंद्रह कमीश जनवरी लिख लो, ज्यादा इजी रहेगा समझने में। 15 जनवरी 2022 से कब तक रहेगी उसकी टर्म, 14 जनवरी 2023 सही तो27। बोला था हाँ सर मैंने क्या मैंने बोला, मैं तो रीचेक एक्चुअली कर रहा हूँ, एक से बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है 31 के हिसाब से। अब जनवरी तूने ठीक बोला था, मुझे बता, तूने बोला था दिसंबर 27, कैसे होता हाँ दिसंबर 27। नहीं गलत था, दिसंबर 26 अगर ठीक है, अब उसके बाद ये बोलो, सेकंड लाइन बोल रहा है, अब इसकी रीअपॉइंटमेंट हम कब कर सकते हैं, कितना जल्दी कर सकते हैं, इसको रीअपॉइंट करना हो तो कितने एक साल पीरियड, का गैप देना ही पड़ेगा बीच में, मतलब 27 तक अगर ये है तो 28 में नहीं कर सकते, 29 में करेंगे। नहीं, अब ध्यान से पढ़ो क्या लिखा हुआ नीचे, इसलिए मैं नो सामने एक कंपनी हाँ provided that no reappointment shall be made earlier than 1 year before the expiry of his, अच्छा, तो sorry इसका sorry रीअपॉइंटमेंट कब से कब तक होगा,
26 में कर सकते हैं वापस से इसका इसका टाइम लिखो, रीअपॉइंट। अब मुझे रीअपॉइंट करना है, कौन सी डेट से मैं इसको रीअपॉइंट कर सकता हूँ अगले 5 साल के लिए। तो 15 जनवरी को, 15 जनवरी 2026 को कर सकते हैं, से कब तक? और फिर से 5 साल के लिए। नहीं, से कौन सी डेट तक मैं अपॉइंटमेंट का रेजोल्यूशन पास कर सकता हूँ? सर अगले 5 साल के लिए, वो तो के लिए होगा ना, पर ये नीचे कुछ और लिखा हुआ है, उसका ट्रांसलेशन ये नहीं बन रहा ना। अर्लियर देन वन प्रोवाइडेड ईयर, दैट नो रीअपॉइंटमेंट शैल बी मेड अर्लियर देन 1 ईयर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ इस टर्म, इसका कह रहे हैं ना सर आप? एक्सपायरी कब हो रही है इसकी? एक्सपायरी ऑफ टर्म एक्सपायरी हो रही है इसकी 27 को, तो लिखो, उसके आगे कौन सी डेट को एक्सपायरी हो रही है। 14 जनवरी 27 लिखो। लिखूं? मुझे समझ तो आना चाहिए हाँ, समझाऊंगा ना इसको। अभी देखो आपने क्या किया, ओरिजिनल अपॉइंटमेंट आपने 15 जनवरी 2022 को करी 5 साल के लिए। ना। अब चल रहा है, अब इसकी टर्म खत्म होने वाली है अगले साल में, तो आपको बोर्ड राइट रेजोल्यूशन, शेयर रेजोल्यूशन पास करने, तो क्या हाँ आप इसको जी 2 साल पहले ही अपॉइंट कर सकते हो कि अभी 2 साल बाद तेरी टर्म खत्म होने वाली है, हम तेरे को अभी से अपॉइंट कर देंगे? नहीं, 1 साल मिनिमम लिखा है ना उसमें कि 1 साल हाँ, से ज्यादा पहले से नहीं कर नहीं सकते। कर सकते। तो यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा कि अगर आपको एडवांस में भी अपॉइंट करना है किसी एमडी को, तो मैक्सिमम 1 ईयर इन एडवांस आप उसको रीअपॉइंट कर सकते हो, राइट सर, उससे नहीं पीछे तो नहीं। सर ये चीज पंद्रह कहाँ से, 14 हाँ जनवरी 27 कहाँ से आया? अगर मुझे रीअपॉइंट भी करूंगी तो फिर से जरूर थोड़ी मैं एक नहीं, साल के और लिए अभी जो समझो, आपने 15 जनवरी 26 से 14 जनवरी 27 के बीच में रेजोल्यूशन पास किया, आगे लिखो अपॉइंटिंग हिम, अपॉइंटिंग Appointing हिम एमडी विद इफेक्ट फ्रॉम 15 जनवरी 2027 फॉर 5 ईयर्स। अच्छा तो अब आप इंटरप्रिटेशन देखो, 2 का क्या लिखा हुआ है, और ये जो एग्जांपल है वो सेम बोल रहा है, नो कंपनी शेल। अपॉइंट और रीअपॉइंट एनी पर्सन एज इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 5 ईयर्स एट अ टाइम, प्रोवाइडेड दैट नो रीअपॉइंटमेंट शैल बी मेड अर्लियर देन 1 ईयर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म। तब उसका रीअपॉइंटमेंट 1 साल पहले डिसीजन पास कर ले सकते हो आप। लास्ट टू लास्ट किस दिन आप उसको रीअपॉइंट कर सकते हो? 14 जनवरी को, जिस दिन आखिरी दिन है, 14 जनवरी 27, लास्ट दिन है वो। और अर्लीस्ट डे कौन सा है जिस दिन आप ये डिसीजन रेजोल्यूशन पास कर 15 जनवरी 26, सकते हो? वो फिफ्टीन क्यों? क्योंकि जनवरी वो 1 साल से 26 पीछे नहीं है, 1 साल से पीछे गया तो आप नहीं कर सकते रीअपॉइंटमेंट, आपको 1 साल का ही टाइम है एडवांस में अपॉइंट करने का। जरूरत पड़ती है इस रूल की, अगर आप 14 तारीख का 14 तारीख को ही अपॉइंट करोगे और उस दिन कोई बोर्ड मीटिंग नहीं है, डायरेक्टर प्रेजेंट नहीं है, तो उसकी टर्म खत्म हो जाएगी, राइट कोरम ही सर। नहीं है। हाँ, और फिर वो बीच में वो वैकेंसी हो जाएगी ना भी एक तरीके तो से इसलिए एमडी इसके के। लिए 1 साल का बफर दिया हुआ है कि 1 साल में कभी भी आप उसको अपॉइंट कर सकते हो। तो कंपनियां पहले से करती हैं कि उसकी टर्म आने वाले टाइम में खत्म होने वाली है, हम उसको रीअपॉइंट कर रहे हैं सब्जेक्ट टू शेयर होल्डर अप्रूवल, फिर शेयर होल्डर भी पहले ही अप्रूवल दे देते हैं। करा हुआ है ये, मैंने बहुत इसकी 3-4 एडवाइजरी करी हुई है उससे, मतलब किसकी? याद नहीं, ये एमडी से रिलेटेड, हाँ मतलब इससे रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस, हाँ मैनेजर ये से पढ़ने के बाद रिलेटेड, तो फिर मेरा मतलब बोलना, ये पढ़ने के बाद तो फिर जो भी किसी भी ग्रुप में कोई भी एमडी का क्वेश्चन आए, तेरे पास आंसर होना चाहिए ना। ज्यादातर मतलब व्हेन यू आर पार्ट ऑफ ए लॉ फर्म तो उस तरह के भी बहुत आते हैं कि लाइबिलिटी बनेगी क्या, इसका फॉर्म तो फाइल नहीं हुआ हाँ, तो था, अभी वो तक डीम्ड वाले हम मैं कॉन्सेप्ट वही होते वही हैं। बोल रहा हूँ, जितना जितना हम आगे चल रहे हैं, अभी आपने 2 चीजें देख ली, डीम्ड वाला सारा कंसेप्ट लॉ फर्म के लिए ही है कि हमारी कंपनी में कोई एमडी नहीं है, एमडी को जाना है कौन जाएगा। तो 2 क्लियर हुआ, यस सर, यस सर। अब तीसरा रूल क्या है? नो कंपनी शैल अपॉइंट और कंटिन्यू द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एनी पर्सन एज मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर हु इज बिलो द एज ऑफ 21 ईयर्स और हैज अटेंड द एज ऑफ 70 ईयर्स, प्रोवाइडेड दैट अपॉइंटमेंट ऑफ ए पर्सन हु हैज अटेंड द एज ऑफ 70 ईयर्स मे बी मेड बाय पासिंग ए स्पेशल रेजोल्यूशन
In which case, the explanatory statement annexed to the notice for such motion shall indicate the justification for appointing such person. Provided further that where no such special resolution is passed, but votes cast in favor of the motion exceed the votes, if any, cast against the motion, and the central government is satisfied on an application made by the board that such appointment is most beneficial to the company, the appointment of the person who has attained the age of 70 years may be made. Fifth, is an undischarged installment or has at any time being adjudged as an installment, has at any time suspended payments to his creditors or makes or has at any time made a composition with them, or has at any time been convicted by a court of an offense and sentenced for a period of more than 6 months. ठीक है, तो अगर किसी को आपको एमडी बनाना है, ऊपर देखो राम को आपने एमडी बनाया थर्ड नंबर में, थर्ड नंबर लिखो उसके आगे थर्ड रूल, यहाँ पे इसी में लिखूंगी, नीचे नीचे हम रूल्स लिख रहे हैं ना, अपॉइंटमेंट के रूल लिख रहे हैं, 1, 2, 3 रूल्स पढ़ रहे हैं हम लोग। थर्ड रूल क्या है कि एमडी मैनेजर और डब्ल्यूटीडी जो ऊपर आपने लिखा क्वालिफिकेशन बता रहा है मैनेजिंग डायरेक्टर होल टाइम मैनेजर, क्या नहीं होना चाहिए, पहले तो एज का क्राइटेरिया, हाँ लिखो ना एमडी मैनेजर डब्ल्यूटीडी करके नीचे एबीसीडी चार पॉइंट डाल दो, पहला शुड नॉट बी इज बिलो द एज ऑफ 21 इयर्स लेस देन 21 लेस देन 21 और मोर देन 75, शुड नॉट बी लेस देन 21 और मोर देन 75, 70 लिखा है 70, हां ठीक है, हो सकता है रूल्स में हो, नहीं नहीं 70 ठीक है, ब्रैकेट करो 70 इयर्स के बाद, 70 years का bracket, except special resolution with justification or majority plus central government approval. For appointment beyond 70 years. ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो कंटिन्यू दी एम्प्लॉयमेंट है, अगर आपने किसी को अपॉइंट किया और बीच में ही उसकी टर्म 70 होगी वहीं पे छोड़ना पड़ेगा, अनलेस आप पहले ये प्रोसेस ना करो, ठीक है ठीक है, पहला चीज ये होगी, दूसरा क्या हो गया, शुड नॉट बी अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, सेकेंड कंडीशन आपको क्या देखनी है, जिसको भी अपॉइंट करना है आपसे डिक्लेरेशन लेनी पड़ेगी ना उससे, ये सब अनडिस्चार्ज और एडजस्ट इंसॉल्वेंट दो ही चीजें, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट वो क्या होता है, मतलब कि इंसॉल्वेंसी के लिए फाइल किया और अभी तक उसको कोर्ट ने फ्री नहीं किया सब, राइट राइट, और एडजस्ट मतलब जहां पे वो उसके अगेंस्ट वो ऑर्डर इंसॉल्वेंसी का ऑर्डर पास हो गया, पर ये इंडिविजुअल के लिए है, तो अभी अपने इंडिविजुअल के केस में कितने कम होते हैं ना, ज्यादा नहीं दिखते। थर्ड क्या है, थर्ड वो है कंपोजिशन क्रेडिटर्स के लिए, एज एट एन टाइम सस्पेंडेड टू हिज क्रेडिटर्स और मेक्स और एज एट एन टाइम मेड अ कंपोजिशन, हां तो बेसिकली कोई क्रेडिटर के साथ डिफॉल्ट करता है, पेमेंट नहीं दिया है, हां सिविल में डिफॉल्टर की कैटेगरी में है, अब ये हम लोग कितना ध्यान देते हैं किसी की अपॉइंटमेंट करने के लिए, नहीं देते, कहां कोई, आपकी आवाज जाती है बीच में, हेलो आ रही है सर, हाँ सर, नहीं सिविल स्कोर वगैरह तो कम ही लोग चेक करते हैं, कहां कोई चेक करते हैं, मैं भी बोल रहा, अगर आप किसी को एमडी अपॉइंट करना है तो जैसे आप ये देख लेते हो किसी भी, जैसे ये चीज कहां देखते हो कि उसने कंपोजिशन की है कि नहीं कभी क्रेडिटर्स के साथ, लाइक मेरे को बना सकती हो क्या तुम, मेरे को नहीं बना सकती एमडी, मैं तो पता नहीं कितने क्रेडिटरों के साथ सेटलमेंट करता रहता हूँ। सर हाउ इजी और डिफिकल्ट इट इज,
आपके पास ट्रू कॉलर होना चाहिए जो नंबर ब्लॉक कर सके, क्योंकि कंप्यूटराइज कॉल आती है। बैंक से जनरली या अदरवाइज भी? बैंक से बाकी कौन से क्रेडिटर हमारे, बाकी तो जिसका मांग मांग के सामने से जा जा के पैसा देते हैं, किसी का भी 1 रुपया रखते नहीं। ठीक उनके पास तो बहुत है कुछ. है, तो हाँ एमडी बनने के लिए ये कंडीशन भी ध्यान देनी है कि वो सेटलमेंट ना ठीक किया है. हो, उसने क्रेडिटर्स का डिफॉल्ट ना किया हो, तो डिक्लेरेशन लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपने सपोज दो वारिंग फ्रैक्शन है, दो भाई है हाँ जिनकी नहीं बनती, आपने एक को एमडी हाँ अपॉइंट कर दिया तो वो पिटीशन करके हटवा देगा उसको, बोलो इसलिए ये क्वालिफाई नहीं होता, कैसे कर दिया। तो ये सब कहाँ पे काम आते हैं? केसेस में काम आते हैं, आप समझे। अभी आपके पास असाइनमेंट आ गई, मुझे एमडी हटवाने का, क्या हटा सकता हूँ कि नहीं, मुझे अपॉइंटमेंट इम्प्रॉपर करानी है, तो आपको ये सारे एरिया बेसिक ढूंढने जांच की पड़ेंगे जाती कि थी. इसकी एज थी कि नहीं। अगर 70 से ऊपर है वहीं पे बोल दो सर ये तो वैसे ही निकल जाएगा, सर इंसॉल्वेंसी है, सर इसे तो क्रेडिटर का डिफॉल्ट चेक कर लो, अगर वहाँ पे होगा और इन्होंने अपॉइंट किया होगा तो हम कैंसिल करवा देंगे। हाँ, क्योंकि तो बेसिक रिक्वायरमेंट है ना, लॉ की रिक्वायरमेंट को आप ओवरराइड करके किसी को भी अपॉइंट नहीं कर सकते। और फोर्थ पॉइंट क्या था? तो चेक भी नहीं करता है ना कोई भी सिविल स्कोर वगैरह, तो ये तो सबसे अच्छा क्राइटेरिया हो सकता है. एट एनी टाइम बीन कन्विक्ट सर, मतलब इसमें तो बेसिकली छोटे मोटे ड्यूज भी आ गए ना जो कभी भी अभी करा उसने उसने, कुछ कुछ लिखा तो क्वालिफाई है तो नहीं किया ही अंदर. नहीं है ना उसने, वो तो फिर अब कोर्ट की जजमेंट आती है कि वो करती है कि नहीं करती है, लेकिन आपके पास तो ग्राउंड मिल जाएगी। इट कैन बी एज लेस देन, मतलब ये सर इतना ये छोटा भी हो सब सकता मैं है कि यही किसी बोल ने रहा हूँ, क्रेडिट ये सब आपके, कार्ड की हाँ अमाउंट. ये सब आपके वेपन है, हम लोगों को यूज़ नहीं होते कंपनी वालों को, लेकिन जो लॉयर्स है और वो सब है वो यही सब चीज़ें ढूंढते हैं कि कहाँ से हम क्या करें। मतलब क्रेडिट कार्ड की भी अगर सेटलमेंट ना हुई भी उसमें भी फायदा हो जाएगा. हाँ, तो आप पकड़ सकते हो ना कॉल में किसी को भी कि हाँ ये हाँ आदमी। उस टाइम पे. Has it any time been convicted by a court of an offence and sentenced for a period of more than तो six दो चीजें होनी months? चाहिए, कन्विक्टेड प्लस 6 महीने से ज्यादा की पेनल्टी वो प्रिजन हुई होनी चाहिए। ठीक है, कन्विक्टेड फॉर ऑफेंस, कन्विक्टेड फॉर मोर देन 6 मंथ फॉर एन ऑफेंस। सेंटेंस्ड आल्सो ये लिखा है फॉर. कन्विक्टेड मोर देन 6 मंथ फॉर एन ऑफेंस, कवर कर दिया ना आपने। ठीक हाँ ठीक है, सेंटेंस्ड भी होगा. है, तो ये चार कंडीशन पूरी होनी चाहिए। क्या कंडीशन है? अपॉइंटमेंट से पहले क्या देखना है? एज क्राइटेरिया तो इससे कम नहीं होना चाहिए, 70 से ज्यादा नहीं होना चाहिए. फिर दूसरा है कि चल, कल से ईयरफोन लगा ही नहीं हो, तेरी आवाज बहुत गायब हो जाती है बीच बीच में। सॉल्व हेलो बेटा, आवाज गई। हेलो, बेटा अभी लगा क्या? आवाज आवाज हाँ आपकी आवाज पूरी गई थी, एक भी पॉइंट नहीं समझा। हाँ हेलो, तो क्या कंडीशंस बेसिकली हैं जो आपको ध्यान रखनी है एमडी के अपॉइंटमेंट से पहले? हाँ, एज क्राइटेरिया है, देन सेकी 21 से कम नहीं होना चाहिए, 70 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, अनडिस्चार्ज इंस्टॉलमेंट नहीं होना चाहिए, फिर उसने कोई डिफॉल्ट नहीं करा चुका होना चाहिए क्रेडिटर के उसमें, या कोई कॉम्पोजिशन नहीं करा होना चाहिए उनसे कभी, या फिर कॉन्विक्ट 6 महीने से ज्यादा के लिए कॉन्विक्टेड, मतलब कॉन्विक्टेड होना चाहिए फॉर एन ऑफेंस 6 महीने से ज्यादा के 6 महीने लिए. की जेल काट के नहीं आया होना चाहिए। हाँ, हाँ 6 महीने से ज्यादा की जेल काट के. ठीक है, सिक्स तो हाँ मंथ्स और मोर है या सिक्स मोर देन 6 मंथ्स ही लिखा है क्लियर। उसमें तो. हाँ हाँ सर. अब फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 197 एंड शेड्यूल 5 ऑफ शेड्यूल 5, अ मैनेजिंग डायरेक्टर होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर शैल बी अपॉइंटेड एंड द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सच अपॉइंटमेंट एंड रेम्युनरेशन पेबल बी अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एट अ मीटिंग विच शैल बी सब्जेक्ट टू अप्रूवल बाय अ रेजोल्यूशन एट द नेक्स्ट जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी.
and by the central government in case such appointment is at variance to the conditions specified in part 1 of that schedule, provided that a notice convening board or general meeting for considering such appointment shall include the terms and conditions of such appointment, remuneration payable, and such other matters, including interest of a director or directors in such appointments, if any, provided further that a return in the prescribed form shall be filed within 60 days of such appointment with the registrar. Hello? हाँ, अब इसको टुकड़ों में बांटो, ठीक है? हाँ, तो basically 197 in schedule 5 को subject है। नहीं नहीं, अभी appointment कैसे होगी? पहला question था ना, अपने appointment बड़ा चार तरीकों से होती है, article से होती है, राइट एग्रीमेंट से होती है बोर्ड से होती है और स्पेशलाइजेशन से होती है. अब जो पहले दो केसेस में हो रही है तो ये कंप्लायंस कैसे होगी? एंड द टर्म्स एंड कंडीशंस शैल बी अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. तो इसका मतलब बोर्ड पे जाना ही जाना है. हाँ हाँ, इवन आर्टिकल से हो रही है, एग्रीमेंट से हो रही है, तो भी बोर्ड पे तो आएगा ही वो. और उसके बाद भी वी शैल बी सब्जेक्ट टू उसके साथ ही चल रहा है. एंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट कब? जब वेरिएंस पे है शेड्यूल की पार्ट 1 सेंट्रल गवर्नमेंट से पार्ट 1 के वेरिएंस में है. ठीक है, अभी ऊपर अपॉइंटमेंट में जाओ, इसको लिखो वहां पे. चीज पूछ सोच के भी पूछना पड़ेगा. हां सर, जैसे अगर एग्रीमेंट से कर रहे हैं तो रेजोल्यूशन अगर सिर्फ इतना भी बोले कि अग्रीमेंट अप्रूव कर रहे हैं व्हिच कंडीशन कंटेन्स द टर्म्स एंड कंडीशंस, तो भी तो बहुत है. उसमें लिखो ना अपॉइंटमेंट, एमडी शैल बी अपॉइंटेड, अपॉइंटमेंट शैल बी एमडी डब्ल्यूटीडी जो भी है शैल बी अपॉइंटेड एंड टर्म्स एंड कंडीशंस एंड रेमुनरेशन अप्रूव्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. Subject to approval of shareholders in general meeting. Full stop. और ये this will be shall be appointed bracket में लिख दो, subject to appointed के बाद bracket में कर दो. एमडी शैल बी अपॉइंटेड लिखा ना, उसके ब्रैकेट में डालो कंप्लायंस विद 197 एंड शेड्यूल 5. तो अपॉइंटमेंट करने के लिए आपको 197 और शेड्यूल 5 का भी ध्यान देना है. ठीक है, और उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस जो रेमुनरेशन है बोर्ड अप्रूव करेगा. जब बोर्ड ही सब कुछ कर रहे हैं तो चारों चीजें एक ही जगह हो जाएंगी. जनरल मीटिंग कौन सी जनरल मीटिंग? नेक्स्ट जनरल मीटिंग. तो ऐसा नहीं है कि अभी किया और एजीएम में करेंगे जाके, जो भी पहली बोर्ड मीटिंग जनरल मीटिंग आएगी उसमें करना है. सब्जेक्ट टू अप्रूवल शेयर होल्डर जनरल मीटिंग लिखे ना, वहां नेक्स्ट जनरल मीटिंग लिखो और उसको बोल्ड करो नेक्स्ट जनरल मीटिंग को. अगर पहले एग्जांपल में जो दो के नीचे आपने एग्जांपल दिया कि 15 जनवरी 22 से अपॉइंट किया 14 जनवरी 27 को, तो एजीएम आपकी अगर 30 सितंबर को है तो वहां पे आपको उसकी अप्रूवल लेनी है. एजीएम अगर 30 सितंबर को है, पहले एग्जांपल में ब्रैकेट में डालो एजीएम 30 सितंबर. 30 सितंबर 2022, ईजीएम मई 1 2022,
अब मुझे बताओ कि इसकी अप्रूवल कौन सी मीटिंग में ली जाएगी। अगर 15 जनवरी 22 में लिखो ब्रैकेट में बोर्ड अपॉइंटमेंट, सबसे स्टार्टिंग में जो आपने लिखा ना 15 जनवरी 22, उसके ब्रैकेट में लिखो अपॉइंटेड बाय बोर्ड। इसकी तो ईजीएम भी होगी ना, नेक्स्ट जनरल मीटिंग लिखा है, फर्स्ट हाँ तो इस केस में मुझे आपसे ये मीटिंग पूछना है, ये असाइनमेंट है तो आप इसकी शेयर होल्डर से अप्रूवल कब लोगे? क्यों? ऑन 1 मई 2020, क्योंकि वो नेक्स्ट जनरल मीटिंग है, ठीक राइट। है? एजीएम ने लिखा हुआ है नेक्स्ट जनरल मीटिंग में आपको इसका लेना है, ठीक है? सर अपॉइंटमेंट ये मानी जाएगी जब तक हम उससे लेंगे नहीं शेयर होल्डर हाँ से मानी अपने? जाएगी क्योंकि लॉ में लिखा है कि अपॉइंटेड बाय बोर्ड, टर्म्स कंडीशन अपॉइंटेड, टर्म्स कंडीशन रेमुनरेशन अप्रूव्ड बाय बोर्ड सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर। सो अगर तो शेयर होल्डर ने जनरली कोई इसके लिए अप्रूवल स्पेशल से जनरल मीटिंग नहीं करता होगा? नहीं करते ना जिसको चाहिए, पर नहीं वही पूछ रही कोई हूँ ना कि जल्दी नहीं है, अगर मतलब अगर वो चाहिए कि आपने सपोज 1 अक्टूबर को अपॉइंट किया तो पूरा अगली एजीएम तक रह सकता हो बिना शेयर होल्डर के पास जाए, है हाँ मतलब एज ए एमडी रह सकता है ना? ना? पूरा बिजनेस चला सकता है 1 साल के लिए तो एटलीस्ट, और हाँ। शेयर होल्डर ने अप्रूव नहीं करा तो सारा पैसा वापस। कैसा पैसा? रेम्यूनरेशन? हाँ तो सैलरी कौन अप्रूव करता है अगर तो अपॉइंटमेंट या बेसिकली अप... सर लिस्टेड कंपनीज के पर्सपेक्टिव से देखो तो नहीं है, बट जैसे क्लोजली हेल्ड कंपनीज है उसमें तो कुछ ऐसा शेयर होल्डर, तो वो लोग क्यों जबरदस्ती और अपना पेपर वर्क बढ़ाएंगे और हाँ क्यों तो वो लोग फालतू नहीं में करेंगे, सर? वो वेट करेंगे, ठीक है? अभी आगे बढ़ो, इसके आगे क्या लिखा है ये समझे आप? फोर्थ पॉइंट, आप हाँ जी सर, हाँ जी ठीक है। प्रोवाइडेड क्या कह रहा था? तो डिसकंटिन्यूइंग बोर्ड और जनरल मीटिंग फॉर कंसीडरिंग सच अपॉइंटमेंट शैल इंक्लूड द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सच अपॉइंटमेंट, रेम्युनरेशन पेबल एंड सच अदर मैटर्स इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑफ अ डायरेक्टर और डायरेक्टर्स इन सच अपॉइंटमेंट इफ एनी। और रिटर्न फाइल करनी है MR1 60 डेज में विद ROC, ठीक राइट राइट, है? अब ये हमारे ऊपर वन नहीं जाओ, करा हुआ। 2 पॉइंट और आ गए आपके, जहाँ पे एजीएम की बात कर रहे हो आप, वहां पे नोटिस के बारे में लिखूं? हाँ क्योंकि आखिर में वही याद आएगा आपको, फटाफट रिव्यू करने के लिए यही काम आएगा। जनरल में ब्रैकेट में जनरल मीटिंग के बाद लिखो ब्रैकेट में, उसी में लिखो कहां यहां जनरल, पे हाँ अच्छा ब्रैकेट में नोटिस टू कंटेन टर्म्स एंड कंडीशन एंड रेमुनरेशन। फोर में एंड रेमुनरेशन, टर्म्स एंड कंडीशन भी और रेमुनरेशन भी, फोर नहीं है एंड एंड है। रेमुनरेशन। ओके okay. ब्रैकेट से बाहर निकालो, रेमुनरेशन के बाद डालो, और उसके बाद इफ को फुल स्टॉप डाल के अप्रूवल ऑफ सीजी रिक्वायर्ड, फुल स्टॉप, ये खत्म हो गया। हाँ अप्रूवल ऑफ सीजी रिक्वायर्ड फॉर अपॉइंटमेंट अपॉइंटमेंट नोट मीटिंग कंडीशंस अंडर पार्ट ए ऑफ शेड्यूल 5। उसमें उसमें लिखा हुआ है कि डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए, ये नहीं, ऐसे 15-20 कंडीशंस दिए हैं, इंडियन होना चाहिए, क्या होना चाहिए। हाँ ठीक और उसके बाद नेक्स्ट रिटर्न टू बी फाइल्ड अपॉइंटमेंट की, MR1 रिटर्न MR1 ROC इन इन थर्टी सिक्स डेज ऑफ अपॉइंटमेंट। अब सिक्सटी यहाँ पे आप डेज मुझे बताओ कि आप इसकी अपॉइंटमेंट कब से ट्रीट करोगे, क्योंकि जब आप अभी क्वेश्चन पूछ रहे हैं सब्जेक्ट टू शेयर होल्डर अपॉइंटमेंट तो अपॉइंटमेंट कब से मानी जाएगी? डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से है तो जिस दिन से वो अपॉइंट हुआ उस दिन से 60 डेज काउंट हो गए। तो सर बोर्ड वाले से ही माननी पड़ेगी, नहीं तो फिर वो एक यस साल तक जब तक हाँ जनरल मीटिंग नहीं हाँ आएगी कैसे तो चलेगा? तब तक वो एमडी बनेगा, इसलिए जो आपका क्वेश्चन था उसका आंसर यहीं पर ही है कि हाँ वो उस दिन से ही इफेक्टिव हो जाएगा, और अगर राइट सब्जेक्ट टू सर। शेयर होल्डर ने अप्रूवल नहीं दी तो उसका सीजेशन फाइल होएगा।
ओके सर राइट, अगर शेयरहोल्डर्स ने अप्रूवल नहीं दी, पर ऐसा फिर लिस्टेड कंपनीज अब तो ये करते होगा, ही अगर होता भी होगा तो उससे क्या फर्क पड़ता है, उसके लिए पॉइंट नंबर 5 है। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट वेयर एन अपॉइंटमेंट ऑफ ए मैनेजिंग डायरेक्टर होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर इज नॉट अप्रूव्ड बाय द कंपनी एट अ जनरल मीटिंग एनी एक्ट डन बाय हिम बिफोर सच अप्रूवल शैल नॉट बी डीम्ड टू बी इनवैलिड। ओ वाओ, मतलब मतलब वो एक बिना साल तक शेयरहोल्डर अप्रूव की नहीं मर्जी करता के तो कुछ वो 1 साल तक अपनी राज चला सकता है और जो भी करेगा वो हाँ सही है, हाँ राइट? राइट तो राइट ये अभी नेचुरली क्वेश्चन था कि क्या होगा उस हाँ केस में अगर हाँ अप्रूव ही नहीं करा तो हाँ 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 प्रोसीजरली आपको उसका सजेशन फाइल करना है आरओसी में, क्योंकि अपॉइंटमेंट आपने बोर्ड के टाइप पे ही फाइल कर दिया था। और दूसरा, जो कुछ भी उसने काम किया है वो वैलिड रहेगा। एंड ऑल वर्क वैलिड, All work valid, which done prior shareholder to such general meeting. अब ध्यान दो, मैंने आपको क्या बोला था कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में शेयर होल्डर की अप्रूवल नहीं लगती है। तो Right, नीचे sir. नीचे एक्सेप्शन पढ़ो इसकी, इस सेक्शन की। तो अगर In case of एक्सेप्शन private company, subsection 4 and 5 of section 196 shall not apply. अभी ब्लैंकेट बोल दिया इसने कि 4 और 5 नहीं लगेगा। 4 में क्या था, सेक्शन 197 और शेड्यूल 5। सेक्शन 197 बोलेगा मैक्सिमम कितना रेमुनरेशन दे सकते हो, अगर लॉस है तो क्या। तो आपके लिए बहुत सिंपल आंसर दे रहा हूँ जो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर देगा, आएगा आपको ये सब। कि प्राइवेट कंपनी वाला बोले कि क्या मेरे को रेमुनरेशन की सीलिंग फॉलो करनी है, तो आप बोलोगे नहीं। क्या मेरे को शेयर होल्डर की अप्रूवल चाहिए, नहीं। आप बोर्ड रेजोल्यूशन से अपॉइंट कर सकते हो, आर्टिकल से अपॉइंट कर सकते हो, आपको नहीं अप्रूव कराने की जरूरत बोर्ड से। अगर आपका वेरियंस है तो भी सेंट्रल गवर्नमेंट पे नहीं जाना। और इसका आप लॉजिक बता दो क्यों, क्योंकि प्राइवेट कंपनियां उनका ही पैसा है, तुम्हें जो चाहिए ले जाओ। पब्लिक कंपनी में पब्लिक का पैसा होता है, इसलिए वो लिमिट रखते हैं कि पब्लिक का पैसा 10% से ज़्यादा नहीं ले जाओ। 100 करोड़ कमाया और 100 करोड़ का ही रेमुनरेशन रख लिया, तो पब्लिक शेयर होल्डर को क्या मिलेगा। तो ये इसका लॉजिक है। राइट, तो फिर प्राइवेट कंपनी को कौन कौन से अच्छा, प्रोविजन लगते हैं, अभी ये बताओ। 1, 2, 3 अपॉइंटमेंट के क्या कि क्या एज प्रोविजन, क्राइटेरिया और मतलब वो क्या सब। क्या ध्यान रखना है। स्टिल अगर उसको ये शेयर होल्डर की अप्रूवल नहीं चाहिए, बोर्ड डिसीजन रामायण नहीं है, सबसे पहले उसको एमडी मैनेजर सेम क्योंकि टाइम पे नहीं हो एमडी सकता। हाँ नहीं हो सकता, फिर अपॉइंटमेंट जो है वो मैक्सिमम 5 ईयर्स के लिए हो हाँ, तो सकता है, चाहे वो फिर 1 साल प्राइवेट हो या पहले से ही पब्लिक हो, वापस पांच स्टार्ट साल कर से ज़्यादा नहीं सकते हो हैं। सकते। हाँ, हाँ राइट, और फिर एज फिर का क्राइटेरिया आपको फॉलो करना ही करना है, 21 से 70 के ऊपर नहीं जा सकते। अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, हाँ, डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, कॉन्वर्ट, वो सब तो है ही प्रोविजंस। 4 और 5 नहीं लगेगा। क्लियर। हाँ जी, हाँ जी, ये अभी अपना आज श्योर, 196 हुआ, कल अपन 197 पकड़ेंगे, ओके, फिर एक शेड्यूल 5 पकड़ेंगे। शेड्यूल 5 लंबा है, सेक्शन छोटे छोटे हैं। कल 197 198 पकड़ते हैं, तो कल उसमें ज़्यादा टाइम हाँ चाहिए, सर, है ना। नोटिफिकेशन इनके थोड़े सब अभी तक सेक्शन का पढ़ने क्लियर हुआ, अभी हम चाहिए। लोगों ने क्या पढ़ा है एकदम बिना देखे, अगर आप हाँ बताओ हाँ तो। हाँ सर, बिना देखे कोशिश कर सकते हैं। तो मैं क्या कहते हैं, सेम एक बार सेम टाइम पे हम मैनेजर और मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं अपॉइंट कर सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट। फिर देन ही मतलब एमडी कैन बी अपॉइंटेड फॉर 5 ईयर्स एट अ टाइम हाँ, बाय वे ऑफ, अच्छा ये डेफिनेशन पे पहुंच गई मैं, 5 ईयर्स एट अ टाइम कर सकते हैं, और 1 ईयर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ दैट 5 ईयर्स हमें हम हम वापस उसके रिअपॉइंटमेंट। रीअपॉइंटमेंट का स्टार्ट कर सकते हैं विद इन हाँ, दैट 1 ईयर ये है हमें करना है, नहीं तो कैजुअल वैकेंसी या कुछ ऐसा हो जाएगा। एंड देन व्हाइल अपॉइंटिंग एमडी हमें 4 चीजें याद रखनी है कि ही एज क्राइटेरिया, मतलब ही शुड नॉट बी लेस देन 21 ईयर्स एंड नॉट मोर देन 70 ईयर्स। देन द सेकेंड क्राइटेरिया इज ही शुड, मतलब अनडिस्चार्ज इंस्टॉलमेंट या एडजस्ट इंस्टॉलमेंट नहीं होना चाहिए। फिर उसने डिफॉल्ट नहीं कराना चाहिए पेमेंट में, वो क्रेडिटर्स से कॉम्पोजिशन नहीं करवाना चाहिए कभी भी। और एक और था कि कॉन्विक्टेड नहीं होना चाहिए फॉर एन ऑफेंस फॉर मोर छह देन महीने की सिक्स जेल नहीं काटी मंथ्स होनी चाहिए। अब यहां हाँ तक के लिए आप फिर रुक जाओ। फोर्थ आप ऑफ बोलो ये जो प्रोविजंस है,
ये प्राइवेट पब्लिक सबको लगते हैं। ये प्राइवेट पब्लिक सबको लगते हैं। और फिर फोर्थ और फिफ्थ जो सबसेक्शन है इसके, दैट टॉक्स अबाउट कि अगर वो अपॉइंट हो, अगर वो अपॉइंट होगा तो शेयर होल्डर्स रेजोल्यूशन भी चाहिएगा, और शेयर होल्डर्स रेजोल्यूशन नेक्स्ट एजीएम में रेगुलराइज होएगा, और उसका रिटर्न भी फाइल करना पड़ेगा, और विद मतलब शेयर होल्डर्स अप्रूवल से पहले जो अगर वो मना भी हो गया, शेयर होल्डर्स ने कह दिया नहीं ये रेगुलराइज नहीं हो सकता, तो भी क्या कहते हैं उसके जितने एक्ट्स उस टाइम पीरियड में करेंगे बिटवीन बोर्ड मीटिंग एंड जनरल मीटिंग, दे विल बी हेल्ड वैलिड एंड दे विल बी हेल्ड वैलिड। और सीजेशन फाइल करना है उसका बस। हाँ, सीजेशन तो 196 इतना ही है। तो तीन प्रोविजन है इसके, 196, 197, 198, जिसमें 196 अब आपको अभी टिप्स पे है एज ऑफ नाउ, एज ऑफ नाउ ठीक है। तो कल 197 करेंगे जो रेमुनरेशन से डील कर रहा है, फिर शेड्यूल फाइव भी रेमुनरेशन से डील कर रही है और अपॉइंटमेंट के प्रोविजन से डील कर रही है लॉस के केस में, ठीक है सर। और उसके बाद फिर आपके जितने भी क्वेरीज होंगी वो आप उसको निकाल सकते हो, दो या तीन सेशन में भी हो लेकिन ये वर्थ रहेगा, अच्छे से होना चाहिए। तो इसमें कहीं ऐसा कुछ है जो आपको नहीं क्लियर हुआ? अंडरस्टैंडिंग देखो अभी, उस अंडरस्टैंडिंग के बेस में अभी क्या एक्स्ट्रा क्लियर हो गया? अब एमडी के बारे में और क्या मालूम पड़ गया आपको? मस्ट बी ए डायरेक्टर, फिर उसका अपॉइंटमेंट कैसे तो कैसे हो सकता है, अपॉइंटमेंट कैसे होगा, क्या 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 होना चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन है, डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, एंड व्हाट विल हैपन अगर बिटवीन बोर्ड मीटिंग एंड जनरल मीटिंग अबाउट द एक्ट्स डन बाय हिम, तो वो एक बहुत मेजर पॉइंट है, भले ही प्राइवेट कंपनीज के केस में एप्लीकेबल नहीं है, बट मुझे ऐसा याद आ रहा है कि क्वेश्चन में कर चुके हूं। अच्छी बात है, तो ठीक है करें बंद करें। पब्लिक नॉर्मल अनलिस्टेड पब्लिक में भी तो एप्लीकेबल होगा ना सर ये सबको? प्राइवेट कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में सिर्फ तीन सेक्शन, बाकी पब्लिक लिस्टेड में सारे सेक्शन एप्लीकेबल है। ठीक है, ठीक है करें, क्लोज करें, ठीक है सर। हाँ जी सर, ओके, गुड नाइट सर।